के सिचुआन प्रांत में 7 तीव्रता के भूकंप का जबरदस्त झटका किया गया महसूस। भूकंप से लगभग 72 लोगों की मौत, सैकड़ों लोग घायल। भूकंप से भारी तबाही की खबर इसका केंद्र यान शहर बताया जा रहा है। बोस्टन मैराथन के दौरान हुए बम धमाके के दूसरे संदिग्ध को अमरीकी पुलिस ने किया गिरफ्तार। बोस्टन की मेयर और पुलिस अधिकारियों ने दी जानकारी। कल बोस्टन पुलिस ने एक संदिग्ध को मार गिराया था। दिल्ली के गांधीनगर में एक बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोपी मनोज बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार। पुलिस ने मोबाइल टावर लोकेशन के जरिए आरोपी पर कसा शिकंजा। गांधीनगर में बलात्कार की शिकार हुई बच्ची की हालत स्थिर। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची को लगातार चिकित्सकीय सुविधा कराई जा रही उपलब्ध। बच्ची की हालत खतरे से बाहर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 5 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और दोषियों के खिलाफ तत्काल कदम उठाने को कहा। दुष्कर्म मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। दिल्ली में बलात्कार की इस घटना को प्रधानमंत्री ने बेहद शर्मनाक बताते हुए उपराज्यपाल से की बात। लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने दिल्ली में हुए इस दर्दनाक हादसे की निंदा। उन्होंने कहा कि सरकार ने बलात्कारियों को सजा दिलाने के लिए कानून को और मजबूत किया। कहा, समाज में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए लोगों की मानसिकता बदलने की जरूरत। पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को 4 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का दिया आदेश। न्यायाधीशों को बर्खास्त करने संबंधी मामले में परवेज मुशर्रफ को उनके फार्म हाउस से किया गया गिरफ्तार। इराक में आज स्थानीय चुनाव होने हैं। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के 1 वर्ष बाद होने वाले इन चुनावों को राजनीतिक स्थिरता की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। लिहाजा चुनावों के लिए सुरक्षा की गई है कड़ी। इससे एक दिन पहले यहां हुए हमलों में 37 लोग मारे जा चुके हैं। आयरलैंड में गर्भावस्था के दौरान हुई भारतीय मूल की सविता हलप्पनवार की मौत को जूरी ने चिकित्सकीय हादसा करार दिया। 31 वर्षीय सविता हलप्पनवार की पिछले साल अक्टूबर में गालवे यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में हो गई थी मौत। अमेरिका सीरिया में असद विरोधी गुट को सैन्य साजो सामान के लिए $100 मिलियन की रक्षा सामग्री उपलब्ध कराएगा। सीरिया में बशर अल असद के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों को नाइट विजन गॉगल और बॉडी आर्मर कराया जाएगा मुहैया। तुर्की में सप्ताह के अंत में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय बैठक में होगी औपचारिक घोषणा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइक डेनिस का कल 72 साल की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। इंग्लिश क्रिकेट टीम की कप्तानी करने वाले वे एकमात्र स्कॉटिश नागरिक थे। डेनिस ने कुल 28 टेस्ट मैच खेले, जिनमें से 19 में उन्होंने टीम की अगुवाई की।